वेलकम माय नेम इज वेलकमर मदर एंड आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन व्यूवर्स आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का नंबर थर्टीन है तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजिटल प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन्स सबसे पहले हम देखते हैं वाट इज डिजिटल प्रेशर गेज डिजिटल प्रेशर गेज मई द प्रेशर इन अ सिस्टम एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑन आर डिजिटल डिस्प्ले डिजिटल प्रेशर गेज किसी भी सिस्टम के प्रेशर को मैयर करती है और वैल्यू को डिजिटल डिस्प्ले पर शो करती है डिजिटल प्रेशर गेजेस आर मोर एक्यूरेट देन एनालॉग प्रेशर गेजेस एंड डिजिटल गेज इज़ ईजियर टू रीड डिजिटल प्रेशर गेज एनालॉग प्रेशर से ज़्यादा एकट होती हैं और इनको आसानी के साथ रीड किया जा सकता है यह डायाग्राम के अंदर आप डिजिटल प्रेशर गेज को देख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल डिजिटल इंटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिजिटल के अंदर सेंसर को इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रेशर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है द इंटरनल सर्किट ऑफ डिजिटल गेज कन्वर्ट देशनल एंड शोज द रीडिंग ऑन डिजिटल डिस्प्ले डिजिटल गेज का इंटरनल सर्कट प्रेशर को रिडेबल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है और इस तरह रीडिंग को डिजिटल डिस्प्ले पर शो करता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सेंसर देयर इज डिफरेंट टाइप्स सच एज पीजो इलेक्ट्रिक पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज कैपेसिटिव सेंसर व्यूअर्स ये वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेशर सेंसर हैं जिनको इस्तेमाल करके हम प्रेशर को मायर करते हैं मोस्टली द प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट आर यूज्ड इन डिजिटल प्रेशर गेज इज पीजो रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज डिजिटल प्रेशर गेज के अंदर जो प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो स्ट्रेन गेज है इसीलिए इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेन गेज को डिस्कस करेंगे पीजो अ पीजो रेजिस्टिव इज अ डिवाइस विच चेंज इट्स रेजिस्टेंस वेन द प्रेशर इज अप्लाइड स्ट्रेन गेज इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पीजो पिजोरजिस्टिव एलिमेंट पीजो रेजिस्टिव एक ऐसी डिवाइस होती है कि जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये अपनी रजिस्टेंस चेंज करती है इन डाइग्राम यू सी गेज एलिमेंट ये डायग्राम के अंदर आप स्ट्रेन गेज को देख सकते हैं वर्किंग इफ वी स्ट्रेच स्ट्रेन गेज दैन लेंथ ऑफ स्ट्रेन गेज इज इंक्रीज एंड क्रॉस एरिया इज डिक्रीज देन द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस इज इंक्रीज अगर हम स्ट्रेन गेज को स्ट्रेच करते हैं यानी कि स्ट्रेन गेज को खींचते हैं तो जिससे स्ट्रेन गेज की लंबाई में इजाफा होगा लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रेन गेज इज डिक्रीज एंड क्रॉस एरिया इज इनक्रीज दैन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज तो जब हम स्ट्रेन गेज को स्क्वीज़ करेंगे यानी दबाएंगे तो स्ट्रेन गेज की लंबाई में कमी आएगी लेकिन इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस कम होगी ये हमारे पास फार्मूला है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई एल हमारे पास लेंथ है और ए हमारे पास एरिया है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी कि जब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और इसी तरह जब लंबाई कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगी आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया यानी कि जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी इसी तरह जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी इन डायग्राम यू सी द स्ट्रेन गेज एलिमेंट ये आप गेज एलिमेंट को देख सकते हैं यह हमारे पास लेंथ है जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी इसी तरह लेंथ कम होने पर रेजिस्टेंस भी कम होगी और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी इसी तरह जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चेंजिंग इन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद हेल्प ऑफ वीट स्टोन ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट रेजिस्टेंस के अंदर तब्दीलियों को स्टोन ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट की मदद से मैर किया जाता है यह डायग्राम के अंदर आप वीड स्टोन ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट को देख सकते हैं कंप्लीट सिस्टम इन दिस सर्किट देयर इज टोटल फोर रजिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर स्ट्रेन गेज द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर थ्री आर सेम एंड वैल्यू ऑफ आर टू एंड आर फोर स्ट्रेन गेज आर सेम इफ़ there इज़ नो चेंज द Wheatstone स्टोन सर्कट इज बैलेंस्ड इस सर्किट के अंदर टोटल फोर रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें R1, R2, R3 थ्री एंड आर हैं R1 और R3 की वैल्यू सेम होती है जबकि R2 और R4 की वैल्यू सेम होती हैं अगर स्ट्रेन गेज पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज रेक्टिफाइड सर्किट बैलेंस रहेगा When pressure इज अप्लाइड ऑन strain गेज देन स्ट्रेन गेज चेंज इट्स रेजिस्टेंस एंड ब्रिज rectifier circuit बिकम अनबैलेंस चेंजिंग इन रेजिस्टेंस इज measured by इलेक्ट्रॉनिक circuit जैसे ही स्ट्रेन गेज पर प्रेशर आएगा स्ट्रेन गेज अपनी रेजिस्टेंस चेंज करेगी जिसकी वजह से व्ही ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट अनबैलेंस होगा रजिस्टेंस के अंदर इन तब्दीलियों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की मदद से मैयर किया जाता है द कम्प्लीट मयरिंग सिस्टम डिवाइस इंक्लूड्स देंसिंग एलिमेंट बोर्डन ट्यूब डाफ्राम और बेलो स्ट्रेन गेज पावर सोर्स एंड आउटपुट रीडेबल डिवाइस कंप्लीट सिस्टम के अंदर हमारे पास मेजरिंग डिवाइस सेंसिंग एलिमेंट बॉर्डर ट्यूब डायफ्राम या बेलो स्ट्रेन गेज पावर सोर्स और आउटपुट रीडेबल डिवाइस शामिल है सेंसिंग एलिमेंट फिक्स फिक्सोज द स्ट्रेन गेज इज अटैच विद डायाफ्राम वन प्रेसर इज अपलाइड इज ऑन डायाफ्राम द स्टेन गेज चेंज इट्स रेजिटेंस ये डायग्राम के अंदर आप स्ट्रेन गेज को देख सकते हैं जिसको डायफ्राम के साथ अटैच किया गया है जब डायफ्राम पर प्रेशर आएगा तो स्ट्रेन गेज अपनी रेजिस्टेंस चेंज करेगी अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं व्यूवर जी आप देख सकते हैं हमारे पास डिजिटल प्रेशर गेज है ये अब आप देख सकते हैं प्रेशर गेज जीरो शो कर रही है इस बटन से हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं कन्फ़िग्रेशन के अंदर ये हमारे पास यूनिट्स हैं अगर हमें यूनिट्स को चेंज करना हो तो हम यहाँ से यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं ये हमारे पास पी एस आई है ये हमारे पास टॉर मेगापास्कल, पास्कल किलो पास्कल एम एम ऑफ एच जी ऑफ एच जी फीट ऑफ एच टू ओ फोर डिग्री एंड ट्वेंटी डिग्री सेंटीमीटर ऑफ एच टू ओ ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड फोर डिग्री सेंटीग्रेड एम ऑफ एच टू इंचिस ऑफ एच टू के जी पर सेंटीमीटर स्केयर अगर हमने यूनिट को सिलेक्ट करना है तो हम पे के जी पर सेंटीमीटर स्केर पर रख के इंटर प्रेस करेंगे तो जब आप देख सकते हैं जो हमारे पास गेज का यूनिट है अब के जी पर सेंटीमीटर हो गया है इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास ऑटो ऑफ का ऑप्शन है यहाँ से हम टाइम को ज़्यादा कम कर सकते हैं यह हमारे पास बैटरी हेल्थ है ये प्रेशर गेज अभी टेम्परेचर बता रही है 23.6 डिग्री सेल्सियस इसको हम फारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यह हमारे पास डैम्पनर है यह भी इस वक्त ऑफ कंडीशन में जब हमने ऑन करना होगा तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो डैम्पनर ऑन हो जाएगा यह हमारे पास सेट रेट है यह हमारे पास टेयर है यह हमारे पास फंक्शन लॉक है व्यूवर जी आप देख सकते हैं ये एक और हमारे पास डिजिटल प्रेशर गेज है यह आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रेशर सेंसर है यह हमारे पास बैटरी है और यह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो जैसे ही फ्लूड का प्रेशर आएगा प्रेशर सेंसर फ्लूड के प्रेशर को सेंस करेगा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसको रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा इस तरह से डिजिटल प्रेशर गेज डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग को शो करेगी इसके बाद हमारे पास है फंक्शंस एंड पर्पस यूनिट्स इन दिस ऑप्शन वी कैन चेंज देशर गेज सात एस के पर सेंटीमीटर स्केयर पी बार इस ऑप्शन के अंदर हम प्रेशर गेज के यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं

जो कि टेम्परेचर को शो करता है इस ऑप्शन के अंदर हम टेम्परेचर के यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं डैम्पर इन प्रेशर गेज डैम्पर इज प्रिवेंट द सडन चेंज इन प्रेशर वैल्यूज ड्यू टू प्रोसेस फ्लूड पल्सेशन प्रोसेस फ्लूड पल्सेशन की वजह से प्रेशर वैल्यूज में जो सडन चेंज आता है उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर गेज डैम्पर को इस्तेमाल किया जाता है रेट इन डिजिटल प्रेशर गेज द रेट इज इन विच द प्रोडक्ट टेक्स अ प्रेशर मेजरमेंट एंड अपडेट द वैल्यूज ऑन डिस्प्ले डिजिटल प्रेशर गेज के अंदर रेट इस चीज़ को बोलते हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रेशर मेयरमेंट को लिया जाए और इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले किया जाए टेर यूज टू सेट कॉन्स्टेंट ऑफ सेट वैल्यूज टू सब्ट्रैक्ट फ्राम अ प्रशर मैयरमेंट इसको कॉन्स्टेंट ऑफ सेट वैल्यूज़ को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रेशर मेयरमेंट को सब्ट्रैक्ट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द टेर वैल्यू इज़ थर्टी पी एस आई एंड मैयर प्रेशर इज़ थर्टी सेवन पी एस आई देन प्रेशर गेज हो 7 psi, इफ़ द इफ्तः वैल्यू इज़ 40 पी एंड मैड वैल्यू इज़ 50 पी देन प्रेशर गेज हो 10 पी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टेयर वैल्यू 30 पी है और हमारे पास मई प्रेशर 37 सेवन है तो प्रेशर गेज हमें 7 पी शो करेगी इसी तरह अगर हमारे पास टेयर वैल्यू 40 पी है और हमारे पास मई वैल्यू है तब प्रेशर गेज डिस्प्ले पे 10 पी शो करेगी फंक्शन लॉक यूज टू लॉक अनलॉक फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इसको प्रेशर गेज के फंक्शन को लॉक और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास है एकोरेसीज विद हाई एक विल है स्लाइडन बिटवीन मैड एंड एक्चुअल वैल्यूज हाई एक डिजिटल प्रेशर गेज में मैड वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज में बहुत ही कम डेवियशन होती है मोस्टली द एोरेसीजिटल प्रेशर गेज इज़ प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन परसेंट जो डिजिटल प्रेशर गेज की एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादातर प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन परसेंट तक होती है प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंजेस प्रेशर रेंजेस हमारे पास जीरो टू फाइव हंड्रेड बार होती है और टेम्परेचर रेंजेस माइनस टेन टू फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस होती हैं व्यूवर एक्यूरेसी और प्रेशर और टेम्परेचर रेंजेस डिफरेंट हो सकती हैं जो कि डिजाइनर पर डिपेंड करता है एप्लीकेशंस सिंपल कैलिब्रेशन ऑन साइट ऑयल एंड गैस कैलिब्रेशन सर्विस कंपनी ऑटोमोटिव एंड एविएशन इंडस्ट्रीज व्यूवर्स यह था आज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड प्रेशर गेज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट प्रेशर गेज थैंक्स फॉर वॉचिंग